हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, ये हमारी इनकम टैक्स रिलेटेड पार्ट नंबर 22 है। इससे पहले मैंने आपको 21 वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से हमारे पहले वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और पुरस्कारों के तहत किया गया कोई भी भुगतान डैश है। एनी पेमेंट्स मेड अंडर एंड अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड, पार्शली एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, यहां पर बात हो रही है यदि कोई भुगतान केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है पुरस्कार के रूप में, तो वो क्या होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है फ्रेंड्स? फुली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर टू, वे आय जिन पर आयकर नहीं लगता है डैश कहलाती हैं। इनकम्स ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्ज्ड आर कॉल्ड प्रिविलेज इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, एक्सेप्शनल इनकम, नन ऑफ द अबव। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। वे आय जिन पर आयकर नहीं लगता है, तो फ्रेंड्स यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जेम्प्टेड इनकम्स। ठीक है, इस पर आयकर इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, बिजनेस या प्रोफेशन के तहत एक निर्धारिती द्वारा अनुसरण की जाने सकने वाली लेखांकन की विधि डैश होगी। अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द मैथड ऑफ अकाउंटिंग विच एन SSC कैन फॉलो शैल बी ऑप्शन ए मर्केंटाइल और कैश सिस्टम ओनली, ऑप्शन बी कैश सिस्टम ओनली, ऑप्शन सी मर्केंटाइल सिस्टम ओनली, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द मैथड ऑफ अकाउंटिंग विच एन SSC कैन फॉलो शैल बी। सो फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? मर्केंटाइल और कैश सिस्टम ओनली। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर, शर्मा ने अलग रहने के समझौते के तहत अपनी गृह संपत्ति अपनी पत्नी को हस्तांतरित कर दी। ऐसी गृह संपत्ति से आय डैश कर योग्य होगी। ठीक है, शर्मा ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ अंडर एन एग्रीमेंट टू लाइफ अपार्ट। इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑप्शन ए शर्मा एज डीम्ड ओनर, ऑप्शन बी मिस्टर शर्मा, ऑप्शन सी शर्मा हाउ एवर इट विल बी फर्स्ट कंप्यूटेड एज मिसेस शर्मा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, यहां पर बात हो रही है मिस्टर शर्मा ने अलग रहने के समझौते के तहत अपनी गृह संपत्ति अपनी पत्नी को हस्तांतरित कर दी। ऐसी गृह संपत्ति से आय, ठीक है, इस पर जो आय होगी वो कौन से करयोग में होगी। तो यहां पर आपको सही आंसर बता देते हैं ऑप्शन बी, मिस्टर शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स ने अपनी विवाहित नाबालिग बेटी को अपनी गृह संपत्ति उपहार में दी। ऐसी गृह संपत्ति, ठीक है, ऐसी गृह संपत्ति से होने वाली आय डैश कर योग्य होगी। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके 5 सेकंड में। एक्स गिफ्टेड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज मैरिड माइनर डॉटर, द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स एज डीम्ड ओनर, एक्स हाउ एवर इट विल बी फर्स्ट कंप्यूटेड एज माइनर डॉटर्स इनकम एंड क्लब्ड इन द इनकम ऑफ एक्स, ऑप्शन सी इनकम ऑफ मैरिड माइनर डॉटर, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए।
एक्स ने अपनी विवाहित नाबालिग बेटी को अपनी गृह संपत्ति उपहार में दी, ठीक है, उपहार में दिया है, गिफ्टेड, ऐसी गृह संपत्ति से होने वाली आय कर योग्य होगी। तो यहां पर आपको सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी, इनकम ऑफ मैरिड माइनर डॉटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक फर्म से एक भागीदार द्वारा प्राप्त पूंजी या ऋण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इज, ऑप्शन ए टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऑप्शन बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऑप्शन सी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 102A, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपका भी इनकम टैक्स सब्जेक्ट है तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा एक भी क्वेश्चन को, वीडियो के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको वीडियो के कुछ देर बाद में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपको सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगला क्वेश्चन सेवन, फर्म से आय का हिस्सा है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ फर्म, एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव। फर्म से आय का हिस्सा है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म, ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों ने सही आंसर बताया होगा कमेंट करके, एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर एट, डैश के प्रावधानों के अनुसार एक निर्धारिती की आवासीय स्थिति का पता लगाया जाता है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज एसरटेन्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 11। डैश के प्रावधानों के अनुसार एक निर्धारिती यानी एसएससी की आवासीय स्थिति का पता लगाया जाता है, यहां पर कौन सा सेक्शन होगा फ्रेंड्स सही आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सेक्शन 6। अगला क्वेश्चन 9, फर्म द्वारा अपने भागीदारों को भुगतान की गई पूंजी पर ब्याज डैश तक अनुमति है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर्स इज अलाउड अप 8%, 12%, 16%, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे ये हमारी इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो नंबर 22 है, और इसके पहले भी मैंने आपको 21 वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग वो सभी वीडियोस भी देखिएगा जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपको वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, या तो फिर आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बता देते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 12%, ठीक है, फर्म द्वारा अपने भागीदारों को भुगतान की गई पूंजी पर ब्याज 12%, ठीक है, 12% तक अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 10, एक निर्धारिती ने घर खरीदने के लिए पैसे उधार लिए हैं और ब्याज भारत के बाहर दे है, ऐसा ब्याज डैश होगा, एन एस एस सी हैज बोरोड मनी फॉर परचेज ऑफ अ हाउस एंड इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया सच इंटरेस्ट सेल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझ लीजिए वीडियो रोक करके, ऑप्शन देख लेते हैं, बी अलाउड एज डिडक्शन इफ द टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, बी अलाउड एज डिडक्शन, सी
नॉट टू बी अलाउड ऑन डिडक्शन, डी नन ऑफ द अबव। एक निर्धारिती यानी एक एसएससी ने घर खरीदने के लिए पैसे उधार लिए हैं और ब्याज भारत के बाहर दे है, ठीक है, और वो ब्याज जो है, जो उधार पैसा लिया है उसका ब्याज दे रहा है भारत के बाहर, ऐसा ब्याज होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बी अलाउड एज डिडक्शन इफ द टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, सभी के कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लेवल के लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना आप लोग का सपोर्ट रहेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतना बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो एक बार चैनल को देख लीजिए, आपके लिए यूज़फुल लगे, आपके लिए उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए, बीच में मिस करेंगे तो आपका ही लॉस है। हमारा काम है वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना और आपका काम है क्वेश्चन को देखना और उसको याद करना। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करिए, काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।